मुख्यमंत्री मोहन यादव पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया। पूनम चंद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। करीब 100 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। सीएम के पिता के निधन की खबर मिलते ही उनके घर पर मिलने वालों का तांता लग गया है। पूनम चंद यादव के निधन पर सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सर से पिता का साया उठ जाना जीवन की अपूर्णीय क्षति है। पूज्य पिताजी भले ही भौतिक रूप से साथ नहीं है, किंतु उनके आशीर्वाद की छांव सदैव आपके साथ है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि दुखद समाचार प्राप्त हुआ। एक दिन पहले ही मुझे उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। मुख्यमंत्री जी और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। कमलनाथ भी इस दुख में शामिल हुए। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पूज्य पिताजी श्री पूनम चंद यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे एवं परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस पर गम जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी स्वर्गीय पूनम चंद यादव जी का कल दुखद निधन हुआ है। पूनम चंद यादव जी ने मोहन यादव जैसे अपने बेटे को सशक्त और सक्षम बनाया और उनका निधन हम सब के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दे और हमारे मुख्यमंत्री उनके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसको सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करें। आपको बता दें कि सीएम मोहन के पिता की अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे गीता कॉलोनी अब्दालपुरा से शुरू होगी। अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होगा। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई है। इस यात्रा में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा समेत सांसद, विधायक और बीजेपी कांग्रेस से जुड़े कई बड़े राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा उज्जैन और आसपास के इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग पूनम चंद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।